हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में हमें एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, और हमसे पूछा गया है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से एटम के साथ बिलोंग करती। आइए इसको पता करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पता करने के लिए हमें एक रूल पता होना चाहिए जो कहलाता है ऑफबो प्रिंसिपल। ऑफबो प्रिंसिपल बेसिकली ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्डर में सब शेल्स के अंदर फिल होंगे। अब दूसरी चीज़ जो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस फाइंड आउट करने के लिए पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि कौन से सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, और एफ सबशेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। यानी कि ये इनकी मैक्सिमम लिमिट्स हैं, मिनिमम लिमिट्स नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि अगर डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं तो हमेशा 10 भरें, कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है 3 बने, हो सकता है 4 बने, बस ये इसकी मैक्सिमम लिमिट्स होती हैं। अच्छा, जो तीसरी और आखिरी चीज़ हमें पता होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस फाइंड आउट करने के लिए, वो होती है किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। जब तक हमें एटॉमिक नंबर ही नहीं पता होगा तो हम ये कैसे पता करेंगे कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि किस तरह से फिल हो। तो 3 चीज़ें पता करनी है, एक ऑफबो प्रिंसिपल, दूसरा सब शेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, और तीसरा एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है आयोडीन। आयोडीन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 53, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अमूमन तो मुझे 4s2 पर ही रुक जाना चाहिए था क्योंकि हमसे क्वेश्चन में 3p5 तक पूछी गई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि 3p6 जहां आ गया और 4s2, इसका मतलब आयोडीन तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन कर दी है। हमारे पास है सोडियम। सोडियम के अंदर टोटल होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी उसके अंदर टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होता है। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s1। ये भी हमारे पास आंसर नहीं है। सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ऑप्शन जो क्वेश्चन है उसमें हमसे 3p5 पूछी गई है, इसलिए सल्फर भी इसका आंसर नहीं हो सकता। फिर हमारे पास है पोटेशियम, 19 एटॉमिक नंबर, यानी कि 19 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अगेन ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। पांचवा और आखिरी ऑप्शन हमारे पास बचा क्लोरीन, एटॉमिक नंबर होता है 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। हमसे शायद यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्वेश्चन में पूछी गई थी, देखते हैं कि सही जवाब है या नहीं। और यही इसका सही जवाब है। थैंक यू।